सभी विद्यार्थियों को नमस्कार एक बार अपने ग्रुपों में शेयर कर देना वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए तो प्रथम अंक के बाद दूसरा अंक और शानदार जानदार तरीके से ही आया है बाकी जो लाइव देख रहा है वो अपने आप कमेंट करके बताएगा कि किस तरीके से मेहनत की गई है हर एक क्वेश्चन में इतने फैक्ट जोड़े गए हैं ताकि विद्यार्थी जब भी वो टॉपिक पढ़ना शुरू करे तो उसको लगे कि ये तो टॉपिक पड़ा हुआ है ये तो टॉपिक पड़ा हुआ है उसी तरीके से बाकी राजस्थान जीके भाई संजय सर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और एक और शानदार बात पंद्रह जनवरी से बहुत सारे विद्यार्थियों ने खूब सारे मैसेज किए कि सर आप कह देते हो अंक आता नहीं है करंट का अंक कब आएगा आपका अंक कब आएगा तो जब आप इतनी आ रही है तो फिर अंक को क्यों रोके और आप सब जानते होंगे कि बहादुर सर ने मिल करके एक शानदार 2000 क्वेश्चन तैयार किए हैं हम बहुत पहले ही भी लेकर आ रहे थे अब अच्छा हुआ कि कुछ क्वेश्चन और जुड़ गए पहले 1700 थे अब 2000 हो गए तो मैं और बहादुर जी वार्षिकांक लेकर के आ रहे हैं और ऐसा वार्षिकांक अगर आपने पहले कभी फेसबुक टेलीग्राम संस्थान का देखा हो तो उसमें हमने या यूट्यूब पर बताया था कि भी हमारे एक बुकलेट दी जाती है संस्थान के अंदर और उससे क्वेश्चन डिट्टो लाइन उठती है इस वार्षिकांक की एक खास बात क्या है खास बात यह है कि इसमें जैसे मान लो अब रीट के अंदर भी फ्लैगशिप योजना कल जन कल्याणकारी योजनाएं खिलाड़ी अनुसंधान केंद्र है वो भी इसमें मिल जाएंगे उसके अलावा कोई भी विद्यार्थी वार्षिकांक लेके आता है मार्केट से डिटेल मिलती है उसको पूरी उसको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है हकीकत ही है लेकिन यहां तो वन लाइनर है ऑब्जेक्टिव नहीं है क्वेश्चन और उसका आंसर क्वेश्चन और उसका आंसर है एक होता है ना कि एक बार विद्यार्थी पढ़े मेरे ख्याल में एक घंटे में 200 सौ ढाई क्वेश्चन पढ़ सकता है क्योंकि उसको बस प्रश्न उत्तर पढ़ना होता है और बाद में दो तीन बार पढ़ता है उसको रट्टा लग गया और एक बार करंट के अंदर ऐसा तो है ना कि बहुत बड़ा कोई कंसेप्ट याद करना है नहीं करना तो एक बार ढंग से पढ़ ले काम चल जाता है पूरे राजस्थान में पंद्रह जनवरी को उपलब्ध हो जाएगी ये वार्षिकांक और मैं ये कहता हूं चाहे सी का एग्जाम हो चाहे राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो यहां से जिस दिन पेपर होगा उस दिन हम कहेंगे कि हमारा इतना नंबर क्वेश्चन आ गया इतने नंबर क्वेश्चन आ आ गया गया इतने नंबर क्वेश्चन और जो लाइव देख रहा है है उनको पता है कि इस बुक में किस तरीके की मेहनत की गई है हम पहले भी लेके आ रहे थे कोई बात नहीं देर से आए लेकिन शानदार लेके आएंगे तो वार्षिकांक है राजस्थान का जरूर बता देना मॉडल पेपर आज से मार्केट में उपलब्ध है मात्र एक रुपए में और ब्रह्मास्त्र कोर्स चल रहा है रीट का अब देखिए साहब इतने पार्क लेकर के आए हैं कि पता ही नहीं लगेगा कि कौन से पार्क में घूम रहे हैं कहां पे गुम हो गए ना लेकिन ये फाइनल है कि जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा आपको लगभग याद भी हो चुका होगा दूसरी बात ये कि मैं ये कहता हूं कि 100 परसेंट याद नहीं होता चलो ना तो टीचर को होगा ना स्टूडेंट को होगा लेकिन साठ भी हो गया तो 60 परसेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो 40 को और भी कर देगा कुछ मैं बताऊं अंदाजा कुछ आप लगाओ वो काम चल जाएगा 30 30-40 क्वेश्चन आपके कवर होंगे और क्वेश्चन देखिए क्या है राजस्थान का दूसरा मसाला पारक किस स्थान पर बनाया गया है दूसरा मसाला पारक रामपुरा भाटिया रामगंज या सीतापुरा कहां पर बनाया गया है ये बताना है आपको दूसरा मसाला पार्क कहां पर बनाया गया है ये बताओ और क्वेश्चन बहुत शानदार है तो स्पाइस पार्क मसाला पार्क रामपुरा भाटिया जोधपुर ये कहां है जोधपुर यहां तो प्रथम मसाला पार्क है प्रथम मसाला पार्क प्रथम मसाला पारक कहां पर है रामपुरा भाटिया जोधपुर में दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा बताओ रामगंज कोटा में है दूसरा कहां है रामगंज कोटा में तो दूसरा मसाला पारक दूसरा मसाला पारक है रामगंज कोटा में पर्सन जरूर पुराना हो सकता है लेकिन क्वेश्चन खूब सारे नए हैं इसके साथ एक आता है आपने कभी पेपर पढ़ा होगा रामगंज कोटा कोटा के अंदर ही अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क भी पूछा जाता है अभेड़ा पेपर दे रहे हो तो जरूर आपने देखा होगा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क ये कहां पर है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में है अब देखिए एक प्रश्न आता है राजस्थान में जीवाश्म पारक कहां है और पेपर दिया है तो जरूर आपने देखा होगा कि यह क्वेश्चन वास्तव में आता है बहुत बार जीवाश्म पारक अपने बोलते हैं ना आक्ल वुसिल्स पारक मरु ध्यान में मिले अठारह करोड़ वर्ष पुरानी वुड लकड़ी है ना जीवाश्म तो जीवाश्म पारक का से है आक्कलगाम का से याद रखिएगा अब यह पेपर में भी पूछे जाते हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर लेकिन एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क भिवाड़ी अलवर में भी है भिवाड़ी अलवर में भी है बायोटेक्नोलॉजी पार्क भिवाड़ी अलवर में भी है और बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर में भी है और उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा जयपुर में है अभी तक हमने जो पढ़ा उसको देखो ध्यान से पहला मसाला पार्क रामपुरा भाटिया जोधपुर दूसरा रामगंज कोटा दूसरा कोटा जीवाश्म पारक जैसलमेर जीवाश्म पारक जैसलमेर अभेड़ा आपसे पूछे कि अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा अभेड़ा कोटा अभेडा कोटा, कोटा। जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा जयपुर में है बायोटेक्नोलॉजी पार्क दो है कहां कहां पर एक बिवाड़ी अलवर एक सीतापुरा जयपुर बायोटेक्नोलॉजी पारक बिवाड़ी अलवर और सीतापुरा जयपुर में है अब उसके बाद में देखिए कि राजस्थान में पर्यावरण पारक राजस्थान में पर्यावरण पारक सोजत में है पर्यावरण पारक सोजत और सोजत कहां है पाली में है सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है संविधान पार्क जयपुर में है जयपुर में है जयपुर में है उच्च न्यायालय हाईकोर्ट तो जोधपुर में है लेकिन पारक जयपुर में है समझ में आ गया होगा क्योंकि जिस दिन ये क्वेश्चन पूछेगा ना पहला उत्तर होगा जोधपुर करके भी आएंगे कई जोड़ देंगे लेकिन आपको जोड़ना नहीं है बर्ड पारक आपसे पूछे बर्ड पारक कहां है तो गुलाबपुरा उदयपुर में है गुलाबपुरा उदयपुर में है गुलाब बाग सॉरी गुलाब बाग उदयपुर में है ये गुलाब बाग उदयपुर में है गुलाब बाग उदयपुर में है फिर उसके बाद प्रथम ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क रिसाइक्लिंग पार्क जयपुर में है प्रथम ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जयपुर में प्रथम मसाला पार्क जोधपुर दूसरा कोटा अभेड़ा जैसलमेर, जेम्स एंड ज्वेलरी पूछे, जयपुर में सीतापुरा बायोटेक्नोलॉजी सीतापुरा में भी है भिवाड़ी में भी है तो याद हो रहा है ना पर्यावरण पार्क सोजत संविधान जयपुर में बर्ड पार्क गुलाब बाग ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जयपुर में इकोलॉजी, इकोलॉजी पार्क लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में है लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में चमड़ा पार्क मानपुरा माचेड़ी आया था क्वेश्चन ये मानपुरा माचेड़ी कहां पर है जयपुर में है मानपुरा माचेड़ी जयपुर में है स्नेक सांप वाला स्नेक स्नेक कोटा में है स्नेक पारक कोटा में है स्नेक पार्क कोटा में है स्नेक कोटा में है ग्रीन टच मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ रूपनगढ़ अजमेर में है प्लस अगर आपसे पूछे स्टोन पार्क स्टोन पार्क कहां पर है तो स्टोन पार्क करौली में है देखो आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं वीडियो के अंदर एक बार पूछे गए स्टोन पार्क करौली में भी है धौलपुर में भी है मंडोर में भी है करौली धौलपुर और मंडोर में स्टोन पार्क है स्नेक कोटा में स्नेक पार्क कोटा में आपसे पूछे चमड़ा पार्क मानपुरा माचेड़ी चमड़ा मानपुरा माचेड़ी इकोलॉजी लक्ष्मणगढ़ इकोलॉजी लक्ष्मणगढ़ आपसे पूछे पर्यावरण सोजत सोजत का पर्यावरण बर्ड पारक गुलाब बाग गुलाब बाग बर्ड पार्क गुलाब बाग सोलर पार्क भड़ला आप सब जानते हैं पता नहीं कितनी बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था भड़ला जोधपुर का प्रकृति तो चूरू की है चूरू की प्रकृति याद रख लो चूरू की प्रकृति याद रख लो पर्यावरण पालिका पर्यावरण पालिका प्रकृति चूरू प्रकृति चूरू पर्यावरण पाली सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर में है सॉफ्टवेयर पारक कनकपुरा जयपुर में है हार्डवेयर व इलेक्ट्रॉनिक्स पारक कुकस कुकस जयपुर में है कुकस जयपुर में है कुकस जयपुर में है हार्डवेयर व इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क कुकस जयपुर पन्ना धाई पारक सामोर बाग उदयपुर में है सामोर बाग सामोर बाग उदयपुर यातायात प्रशिक्षण पारक कोटा में है कोटा का यातायात याद रख लो यातायात कोटा का पर्यावरण सोजत पाली का प्रकृति चूरू की प्रकृति चूरू की ग्रीन टच मेगा फूड पारक रूपनगढ़ का स्नेक कोटा स्नेक कोटा एक अंदाजा आकल जीवासम जीवासम आकल आपसे पूछे अबेड़ा कोटा आपसे पूछे पहला मसाला पारक बताओ तो रामपुरा भाटिया एक अंदाजा बस चल रहा है ना काम तो बढ़िया चल रहा है साथ में अब उसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन अगर किसी ने एग्जाम देखा हो तो आया था हॉजरी पारक चौपी अलवर में है होजरी पारक होजरी होजरी चोपंकी, चोपंकी अलवर पुष्प खुशखेड़ा, पुष्प खुशखेड़ा, पुष्प पुष्प फूल से खुश फूल पुष्प खुश एक अंदाजा बस अप्रैल पारक एपेरल पारक अप्रैल पारक जगतपुरा जयपुर में है एपेरल पारक अप्रैल पारक जगतपुरा जयपुर में है एपेरल पारक, एपेरेल पारक जगतपुरा जयपुर में है एपेरल जगतपुरा पुष्प खुश पुष्प देते खुश है ना होजरी चौपंकी सोलर भड़ला में है प्रकृति चूरू की पर्यावरण सोजत का पन्ना अध्याय पारक पूछे तो सामोर बाग उदयपुर है एम एस एम ई पारक दोसा में है एम एस एम ई पारक दोसा में है एम एस एम ई पारक दोसा में एम एस एम ई पार्क दोसामी है एक है इनफ्रास्ट्रक्चर पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर पारक नीम राणा अलवर में है नीम राणा अलवर में है इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क नीम राणा अलवर में है ये चार पार्क जरूर याद रखना कौन से हैं ये एग्रो फूड पार्क है एग्रो फूड पार्क एग्रो फूड पार्क कहां पर है देखिए ध्यान से रणपुर कोटा बोरनाडा जोधपुर उद्योग विहार गंगानगर नीमराणा अलवर नीमराणा अलवर में है एग्रो फूड पार्क रणपुर कोटा में है एग्रो फूड पार्क रणपुर कोटा बोरनाडा जोधपुर उद्योग विहार गंगानगर नीमराणा अलवर में है पुष्प खुश पुष्प देते वो खुश याद करना है बस प्रकृति चूरू की पर्यावरण सोजत पाली का पर्यावरण सोजत पाली एपेरल एपेरल आपसे पूछे पारक कहा है जगतपुरा में है प्रथम फिनटेक पारक जयपुर में है प्रथम फिनटेक पारक जयपुर में प्रथम मिनी फूड पारक बांद्रा बाडमेर में बांद्रा बाडमेर में बांद्रा बाडमेर में मिनी फूड पार्क प्रथम मिनी एग्रो पार्क प्रथम मिनी एग्रो पारक पूछे चैनपुरा टोंक में चैनपुरा टोंक में है में है विभूति फतेह सागर उदयपुर में है फतेह सागर उदयपुर में है फतेह है सागर उदयपुर में प्रथम सेंड आर्ट पारक प्रथम सेंड आर्ट पारक पुष्कर में है पुष्कर में है प्रथम सेंड आर्ट पारक विभूति विभूति एक तो विभूति नारायण मिश्रा है है ना कौन से सी सीरियल में आता है लेकिन वो काम नहीं आता है पेपर में तो ये वाला विभूति आता है विभूति पार्क है फतेह सागर में है फतेह सागर तो वो झील है जहां सौर वेदशाला है तो सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव कहाँ चली थी सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव तो पिछोला में चली थी सोर वेदशाला फतेह सागर में है नाव कहीं और चली थी ये याद रखना देखो सैंडस्टोन देखो सेंड आर्ट पार्क पुष्कर विभूति उदयपुर प्रथम मिनी एग्रो पार्क चेनपुरा और मिनी फूड पार्क बांद्रा में है प्रथम मेडिकल डिवाइस पार्क प्रथम मेडिकल डिवाइस पार्क जोधपुर में है कहां पर है जोधपुर में, में है प्रथम मेडिकल डिवाइस पार्क जोधपुर में कोरियाई पार्क जापानी पार्क बोल दो या

तो भाई पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा ये तो फाइनल है पढ़ना तो पड़ेगा अब ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं बस थोड़ा सा ये हो सकता है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा अब बताते चलिए आपसे पूछे कि यह बताओ राजस्थान के अंदर पहला मसाला पार्क तो आप कहोगे जोधपुर में तो बताओ दूसरा मसाला पार्क कहां पर है दूसरा मसाला पार्क कहां पर है दूसरा रामगंज कोटा अभेड़ा कहाँ है कोटा में है हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स पूछे तो कुकस जयपुर में हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स कुकस जयपुर में है कुकस जयपुर में है हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स कुकस जयपुर में है आपसे पूछे कि एग्रो फूड पार्क कितने हैं चार है रनपुर कोटा बोरनाडा उद्योग विहार गंगानगर और नीमराणा अलवर निर्यात समर्थन औद्योगिक पार्क बताओ सीतापुरा बोरनाडा और नीमराणा सीतापुरा बोरनाडा और निमराणा एक बार पहले तो आप ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका तो स्क्रीनशॉट के बाद में इसके अंदर आप कम से कम शॉर्टकट मत ढूंढना क्या आपको लगे कि नहीं शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं इसके अंदर भी क्या पता कुछ और इंपॉर्टेंट हो कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का होता भी नहीं है तो हर एक बात याद रखना और यहां से पढ़ने का मतलब है कि अब आपको और अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इतनी मेहनत आपके लिए मैंने कर ली मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा सिविल लाइन जयपुर से कब किया गया यह आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कल जो पूछा था लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन 19 से तेईस जनवरी तो वो था आंसर सोलवा तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अब एक तो अच्छे अच्छे कमेंट कर देना दूसरा इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके दो बातें देना है ताकि आपका ज्ञान स्थाई हो आप अगर अच्छी मेहनत करोगे देखो अच्छी मेहनत करोगे एक अच्छे टीचर बन जाओगे नहीं तो अच्छे इंसान तो बन ही जाओगे और मेहनत करोगे तो एक दिन रिजल्ट अच्छा ही आएगा कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जीतता वही जो डरा नहीं जय हिंद जय भारत नमस्कार लाइक जरूर कर देना जो अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना और अपने ग्रुपों में शेयर जरूर कर देना और जो पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना